बड़ी बहस में आज बात होगी जेएनयू में लगे देश विरोधी नारेबाजी की। पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई से जुड़ी हुई, मैं हूं आपके साथ शीरीन। और इस मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर कोर्ट ने सुनवाई से फिलहाल इनकार कर दिया है और पुलिस को फटकार लगाते हुए इस मामले में दिल्ली सरकार से अनुमति लेने को कहा गया है। अब आम आदमी पार्टी सरकार को फैसला लेना है। सवाल ये है कि जेएनयू देशद्रोह में आम आदमी पार्टी आखिर किसका साथ देगी अब, और इसीलिए इस बड़ी बहस में कई बड़े सवाल। और आज का सवाल ये कि जेएनयू देशद्रोह में आखिर किसके साथ है आम आदमी पार्टी, पूछेंगे जो आपके समर्थक हमारे साथ जुड़ेंगे आम आदमी पार्टी से। देश में आखिर टुकड़े टुकड़े गैंग के कितने हमदर्द हैं, सवाल ये भी है कि अदालत में अब बात बिगड़ गई है तो आखिर देशद्रोहियों का हिसाब कैसे होगा। सियासत के लिए देशद्रोह भी कबूल है क्या, और देश ये भी सवाल पूछ रहा है कि इन देशद्रोहियों को आखिर सजा कब मिलेगी, क्योंकि अदालत में तो फिलहाल ये मामला फंसा हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ खास मेहमान, एक पूरा पैनल गेस्ट का मेरे साथ जुड़ा हुआ है, एक एक करके मैं आपसे उनका परिचय कराती हूँ। हमारे साथ आशीष सूद हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से, और इसी के साथ रवि श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, ये हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है वो हमारे साथ साझा करेंगे। विवेक श्रीवास्तव सीपीआई के नेता हैं, इस मामले में वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलीमुद्दीन खान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और विक्रम सिंह जो कि यूपी के पूर्व डीजीपी रहे हैं हमारे साथ जुड़ेंगे। आखिर कानूनी एंगल किस तरीके से उलझा हुआ है वो समझने की कोशिश हम उनसे करेंगे। अनिमा सोनकर संयुक्त सचिव हैं दिल्ली एबीवीपी की, ये भी हमारे साथ जुड़ रही हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत करती हूं मैं इस चर्चा में, और शुरुआत कर लेते हैं अब इस बहस की। लेकिन सबसे पहले, चूंकि आम आदमी पार्टी के पाले में अब गेंद कोर्ट ने सरका दी है और कहा है कि पहले इजाजत लो, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, तो आप समर्थक का रुख कर लेते हैं। रवि श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि श्रीवास्तव, कोर्ट ने तो पूरा मामला आपके पाले में डाल दिया है, गेंद सरका दी है कि पहले आपसे आप परमिशन लीजिए, फटकार लगाते हुए कहा है ये पुलिस को, तो क्या स्टैंड होने जा रहा है अब आम आदमी पार्टी का? देखिए, ऐसी सोच आपकी हो सकती है कि कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कोई किसी तरीके का लताड़ लगाई है या कुछ किया है। सर, मैं कह रही हूँ दिल्ली पुलिस को लगाई है, आपने शायद समझा नहीं पूरी तरीके से बात। दिल्ली पुलिस की बात कर रही हूँ, सुन लीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं अब सही समझाऊं, दिल्ली पुलिस को लताड़ लगाई है कि आपने ये चार्जशीट दाखिल करने से पहले दिल्ली की सरकार से इजाजत क्यों नहीं ली। अभी थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में भी चले जाते हैं कि जब दिल्ली में यह इंसिडेंट जब हुआ था 9 फरवरी को, उसके तुरंत बाद वहां पर दिल्ली की सरकार ने एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी लगाई थी। उस इंक्वायरी ने बाकायदा 3-4 महीने तक जांच की, उसके बाद ये पाया कि जो वीडियो आप दिखा रहे हैं वो वीडियो डॉक्टर्ड है और वो वीडियो एडिटेड है, और इसलिए उन्होंने इस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की। और इसके साथ ही जो दिल्ली में कोर्ट था, उस कोर्ट ने पहले इंटरिम बेल दी इन लोगों को जिनके खिलाफ चार्जशीट आज दाखिल हुई है, और ना ही इंटरिम बेल दी, उसके बाद उनको रेगुलर बेल दी। तब सरकार कहीं नहीं, सरकार केंद्र की सरकार जो दिल्ली पुलिस के ऊपर अपना पूरा कब्जा रखती है वो सोई रही, उसने कोई कार्रवाई नहीं की। कारण क्या था कि कहा गया कि इसमें कश्मीरी स्टूडेंट शामिल है, और जो पीडीपी के साथ इनकी सरकार चल रही थी वहां पे श्रीनगर और कश्मीर में, तो इसलिए उससे कोई इन्हें बैर नहीं लेना था। 3 साल तक बैठे रहे, 3 साल तक जांचें करते रहे, 1200 पेज की चार्जशीट बनाई, मगर इस बीच में इनको याद नहीं आया दिल्ली पुलिस को एक बार भी कि इसमें एज पर सीआरपीसी इनको जो दिल्ली की सरकार है उससे इजाजत लेना जरूरी है, वो इन्हें याद नहीं आया। अब कहते हैं कि जिस दिन चार्जशीट फाइल की 14 जनवरी को, तभी हमने रिक्वेस्ट दिया इसकी परमिशन देने के लिए, वो आज 19 जनवरी कल तक तो दिल्ली की सरकार यही कह रही है कि हमें ऐसी कोई फाइल मिली ही नहीं है। तो ये सच है कि इस बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई झूठ बोल रहा है, कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है और मिसलीड कर रहा है पूरी इंक्वायरी को। 3 साल की जो चार्जशीट थी 1200 पेज की, उसको 3 घंटे में माननीय उच्च न्यायालय ने उठा के इनके मुंह पर फेंक दिया कि भाई आपके पास कोई केस नहीं है, जब तक आप परमिशन नहीं लेकर के आए आपने चार्जशीट बना कैसे दी यहाँ पे। मैं भी तो उसी की बात कर रही थी ना रवि जी, मैं उसी की बात कर रही थी कि अब तो इजाजत लेनी है सरकार से, क्या सरकार इजाजत देगी। ठीक है, चलिए आपके पास आऊंगी, बाकी गेस्ट के पास फिलहाल चले जाते हैं। आशीष सूद जी, क्या अब ये मामला दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच फंसकर रह जाएगा, चूंकि इस मामले में इजाजत लेने के लिए कोर्ट ने कहा है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप अब शुरू हो गए उससे पहले?
आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि जो आपके चैनल पर कह रहे थे सुनकर बड़ी हैरानी होती है। क्या तर्क गढ़ा जा रहा है? 3 साल तक सोए रहे? नहीं, आप प्रतिनिधि हैं, उनका पक्ष रखते हैं तो प्रतिनिधि ही है। ये अंडरकवर खेल अब छोड़ दीजिए रवि जी, सबको पता है। अब आपकी बात मैंने शांतिपूर्वक सुनी है, जरा मुझे भी कहने दीजिए। उनका ऑफिशियल, ठीक है रवि, ठीक है रवि श्रीवास्तव, उनका मैं ये याद रखिए, ठीक है। आप समर्थक है आप, और यही मैंने इंट्रोड्यूस भी कराया था आपको, ठीक है। बात पूरी करिए आशीष सूद जी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। देखिए श्रीन जी, बात क्या है, रवि श्रीवास्तव जी जो तर्क गढ़ रहे हैं उस तर्क के अनुसार तो शायद जेएनयू में नारे लगे ही नहीं, शायद वहां पर कोई प्रदर्शन हुआ ही नहीं, शायद कन्हैया कुमार और उमर खालिद और शायला रशीद ने वहां भाषण आदि किए ही नहीं, वहां मुंह पर कपड़ा लगाकर 9 फरवरी 2016 में जिस प्रकार की घटनाएं हुई वो तो काल्पनिक है, कपोल काल्पनिक है। इस प्रकार का तर्क गढ़ा जा रहा है, और वो आप ये भी समझिए कि ये तर्क गढ़ कौन रहे हैं, जिन लोगों की डिक्लेयर्ड पोजीशन है कि उन बच्चों के साथ ज्यादती की जा रही है, क्योंकि श्री अरविंद केजरीवाल अगले ही दिन उस कैंपस में राहुल गांधी की गलबैया होते हुए उन छात्रों का समर्थन करने पहुंचे थे। जिन लोगों की डिक्लेयर्ड पोजीशन उस घटना को डिनायल मोड में पहले दिन से है, उन लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? देश में तो आए दिन कभी ना कभी चुनाव होते रहते हैं, एक साल पहले करते, 6 महीने पहले चार्जशीट पर अगर पुलिस दाखिल कर देती तो इसी तरह का प्रलाप आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जाता। सवाल यह है कि अगर आज कोर्ट ने कहा है परमिशन लेकर आओ, दिल्ली पुलिस कह रही है मैंने फाइल दी, आप कह रहे फाइल नहीं दी, तो आम आदमी पार्टी ये तो अपना स्टैंड क्लियर करे कि उस घटना के बारे में उसका क्या कहना है। बिल्कुल, वो घटना नहीं हुई क्या? क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या अगर एक नेशनल यूनिवर्सिटी में, ठीक है सर, नेशनल कैपिटल में, और रवि श्रीवास्तव जी से सवाल भी पूछूंगी कि एटलीस्ट अपना स्टैंड क्लियर करें। नेशनल कैपिटल में अगर इस प्रकार की घटना हुई है, एक श्रीवास्तव जी आपके तो मन की मुराद पूरी हो गई होगी, क्योंकि आप तो चार्जशीट को कह रहे थे पूरी तरीके से गलत, और कह रहे थे कि ये मन मुताबिक चार्जशीट बना दी गई है और कोर्ट में पेश की जा रही है। जी 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 शिरीन, देखिए पहली चीज है, आशीष सूद जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो मिसलीड कर रहे हैं पब्लिक को, वो इस मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाहते हैं कि इन्होंने दिल्ली सरकार को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया। दूसरी बात, रवि जी ने बिल्कुल क्लियर बोला है कि मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के बाद फुल बेल मिली है और वीडियोस डॉक्टर्ड पाए गए हैं। तीसरी बात, मैजिस्ट्रियल नहीं हुई, चुनाव के पहले ही क्यों बीजेपी सो के जगी है? आप 2019 के पहले क्यों सो के जगे हैं? आप 3 साल से क्या कर रहे थे? अगर आप बहुत बड़े देशभक्त हैं, विवेक श्रीवास्तव 3 साल का वक्त इसीलिए लगा ताकि सारे सबूतों को सही तरीके से जांच हो सके उनकी। नहीं नहीं, प्लीज, अगर एकदम से चार्जशीट फाइल कर दी जाती तब भी आप सवाल उठाते, और जेएनयू नहीं, आप तब भी सवाल उठाते। जेएनयू विश्वविद्यालय छात्र संघ अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा था, वो मदद नहीं कर रहा था। नहीं नहीं, जेएनयू विश्वविद्यालय छात्र संघ ने अपनी जिम्मेदारी से भागे। आप लोग उमर खालिद और ये सब छुप कर रहे हैं। आशीष सूद जी, मैं आपके पास आऊंगी तब आपकी बात रखिएगा। आशीष, आप दिल्ली पुलिस को कैसे यूज करते हैं? एक सेकंड आशीष सूद जी, आपके पास आऊंगी, बात रखिएगा। विवेक श्रीवास्तव, मुझे एक बात बता दीजिए, 3 साल का वक्त इसीलिए लगा क्योंकि जिस डॉक्टर्ड वीडियो की बात आप कर रहे हैं उसकी जांच कराई जाए, और उसके बाद इन तमाम तथ्यों को एकजुट करने में 3 साल का वक्त लगा है। वो जांच हो चुकी थी, वो जांच फोरेंसिक जांच दिल्ली सरकार ने कराई थी। अच्छा, आप जानबूझ करके ये बीजेपी वाले लेफ्ट को नीचा दिखाने के लिए हमारे, अरे वही आदमी जो पहले दिन से कह रहा था घटना नहीं हुई, की बात ही नहीं जांच कराएंगे क्या? लेफ्ट की बात कहां से आ गई? ये देश का मामला है, बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, आप हर चीज अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं? राजा की बेटी वहां थी, उनको बचाने के लिए। चलिए ठीक है, बाकी गैस से भी रिएक्शन लेना है मुझे। आती हूँ आपके पास, आ रही हूँ आपके पास। विक्रम सिंह जी, आप यूपी में पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, कानून और इस तरह की जो चीजें हैं उनको बारीकी से आप समझते हैं। मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि इस तरीके से, इस तरह के मामले में अगर कोई चार्जशीट फाइल की जाती है तो उसका प्रोसीजर क्या है, और आपको लग रहा है कि इस मामले में चूक हुई है इसीलिए कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया संज्ञान लेने से? श्रीन जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें पूरी चीज लेड आउट है, इसमें स्वविवेक या डिस्क्रिशन का कोई खाना नहीं है। धारा 196 सीआरपीसी में यह है कि चैप्टर 6 आईपीसी में, जिसमें कि ये धाराएं लगी हैं इन अवांछनीय आरोपियों के विरुद्ध, उसमें
प्रोसिक्यूशन सैंक्शन यानी अभियोजन स्वीकृति पहले लेनी चाहिए। छोटे से छोटे मैटर में 25 आर्म्स एक्ट में सब इंस्पेक्टर जाकर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से पहले परमिशन लेता है। आपने अगर 3 साल में विवेचना की थी तो मैं उम्मीद करता था कि व्यक्तिगत संपर्क करके फाइल दे करके प्रोसिक्यूशन सैंक्शन आप ले लेते तो ये असमंजस की स्थिति उत्पन्न न होती। कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी अगर हुई है तो इसकी मान्यता या उसकी ऑथेंटिसिटी इन्वेस्टिगेशन से ऊपर नहीं है, इन्वेस्टिगेशन सर्वोपरि है। और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी में किसी भी घटना के 100-200 वीडियो बनते हैं, एक वीडियो आपने कहीं जांच करा ली, लेकिन जब पुलिस उसकी ऑथेंटिसिटी की जांच कराती है वो प्रमाणिक होती है, वो क्वासाई जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है और उसकी मान्यता किसी भी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी से ज्यादा होती है। ठीक है, मैं ये उम्मीद करता हूं कि देखिए सच्चाई सब जानते हैं अपने हृदय में, भले ही वो जबान पे न ले आए, लेकिन मामला चूंकि सब जुडिस है, जो प्रक्रिया है वो स्पष्ट है कि प्रोसिक्यूशन सैंक्शन आपको लेना चाहिए था, आपने नहीं लिया, आप अब ले लें। और इसको चाहिए कि फास्ट फॉरवर्ड करके इसमें अभियोजन स्वीकृत दे दें, अन्यथा फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास जाएगी और उसके बाद हो सकता है कि एमएचए में भी जाए। तो ऐसा नहीं है कि कोई यहां आकाश है मनमाने तरीके से स्वीकृत को रोक सकता है, स्वीकृत देना आपकी अनिवार्यता है, लेकिन 1200 पन्ने की चार्जशीट पढ़ के उसमें माइंड का एप्लीकेशन होता है। ऐसा नहीं कि साइन ऑन द डॉटेड लाइन कोई कर दे, 1200 पन्ने की अगर चार्जशीट आई है उसको पढ़ना पड़ता है, लीगल ओपिनियन लेनी पड़ती है और उसके बाद इसको कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कई प्रोसिक्यूशन सैंक्शन सेट असाइड इसीलिए कर दिए थे कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं था। इसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड के लिए अगर जरूरी है तो पहले 1200 पन्ने पढ़िए, लीगल ओपिनियन लीजिए और फिर कर दीजिए। लेकिन ये काम बड़े आसानी से 3-4 दिन में संभव था, क्यों नहीं हुआ ये एक मैं समझता हूं कि प्रशासनिक त्रुटि दिल्ली पुलिस की थी। लेकिन दिल्ली पुलिस ये भी कह रही है सर कि हमने चार्जशीट जिस दिन फाइल की उसी दिन इस रिपोर्ट को भी भेज दिया था, हमने कानून विभाग को ये भेजा भी था। ठीक है सर, अलीमुद्दीन जी अब इस मामले में कोर्ट की टिप्पणी, ठीक है सर आऊंगी आपके पास, अब इस मामले चलिए अलीमुद्दीन हमारे साथ फिलहाल नहीं है, आगे हमसे जुड़ेंगे तो फिर हम उनका रुख करेंगे, लेकिन अनिमा सोनकर हमारे साथ दिल्ली एबीवीपी की संयुक्त सचिव हैं, वो भी जुड़ गई हैं। अनिमा इस पूरे मामले में अब छात्रों को लेकर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में वो अपना भविष्य तय करने के लिए पहुंचते हैं वो वहां पर राजनीतिक इसी हुई है, जो कि जेएनयू में एक तस्वीर देखने को मिली, यानी कि ये कुछ छात्र नहीं है, मुट्ठी भर छात्र नहीं है, कोई ना कोई गैंग तो इनके पीछे है जो इस तरह की राजनीतिक साजिश रच रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे समझने की बात है, 9 फरवरी की घटना जो जेएनयू में हुई ये कोई पहली घटना नहीं थी। अफजल गुरु को जब से फांसी हुई थी साल दर साल जेएनयू में इस तरह की घटनाएं होती रही। एसएआर गिलानी को बुलाकर वहां पे तिरंगे को भी जलाया गया था। 76 जवान जब मरते हैं, जब शहीद होते हैं हमारे दांतेवाड़ा में, तो जेएनयू में यही जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो इनका पूरा गैंग है, इन्होंने डीजे लगवा के उसका जश्न मनाया था। पर्चे पोस्टर चिपकाए जाते हैं और इसके साथ भी है हमारे पास। अभी हमें ये समझने की जरूरत है कि ये जो 9 फरवरी की घटना हुई उसके बाद कन्हैया कुमार और उसमें शामिल सभी छात्रों के बचाव में कौन आया। बचाव में आए राहुल गांधी, जो इस समय सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष हैं, और अरविंद केजरीवाल, जिनके प्रदेश में ऐसी इतनी अपमानजनक मतलब बहुत ही अफसोसजनक बात होती है कि देश विरोधी नारे लगते हैं। और हम जब कहते हैं देश विरोधी नारे लगे थे तो वो लगे थे, मैं खुद इसकी साक्षी हूं, हम इस बात को झुटला नहीं सकते। आप कह सकते हैं एक मीडिया जो है वो बायस हो सकता है, लेकिन वहां पे जो छात्र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के थे, खुद छात्र संघ से चुने आए सौरभ शर्मा वहां मौजूद थे, मैं खुद थी, मेरे नाम पे FIR भी है, हम सारे झूठ नहीं बोल सकते। पहली बात तो वहां नारे लगे थे, लेकिन पहले ही दिन से कुछ बिकाऊ मीडिया और कुछ नेता उसमें अपनी रोटियां सेकने लगे। उसमें राहुल गांधी खुद कैंपस आते हैं, डी राजा जिनकी खुद की बेटी इसमें शामिल है और कोई ये पहली घटना नहीं थी, वो भी इसमें आते हैं और बड़े बड़े भाषण देते हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं कि देश में एबीवीपी जो है वो छात्रों की आवाज दबाना चाहता है, सरकार के खिलाफ जो बोल रहा है उसकी आवाज दबाना चाहता है। मैं आपके मन से राहुल गांधी को ये बता देना चाहती हूं, ये कोई बीजेपी की बर्बादी RSS की बर्बादी की बात नहीं हुई थी, देश की बर्बादी की बात हुई थी। अफजल तेरे अरमानों को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे, इस तरह की बात हुई थी। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, इसका क्या मतलब है? ये वही कांग्रेस पार्टी है जो सत्ता में होती है तो रात में 2 बजे कोर्ट खुलवा के मर्सी पटिशन डालती है। क्या आज तक चार्जशीट 14 जनवरी को हुई है? ठीक है, हमें जो आप समर्थक बैठे हैं उनकी बात रख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आपने सुना
14 तारीख को चार्जशीट दाखिल हुई है, क्यों आज तक राहुल गांधी का इस पर कोई खंडन नहीं आता है? रवि श्रीवास्तव, ठीक है, चार्जशीट को लेकर इजाजत अब दिल्ली सरकार देगी या फिर इस मामले में क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन आम आदमी पार्टी को इसे लेकर अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। नारेबाजी वहां पर हुई थी और ये राजनीति का मामला है, इस पर आम आदमी पार्टी को अभी तक आपका कहने का जेएनयू पे अटैक नहीं किया जाएगा, जेएनयू ही नहीं, अगर किसी आप लोग शांत रहेंगे खंडन किया जाएगा, आऊंगे आपके पास नहीं। आशीष सूद, एक सेकेंड होल्ड करिए, जरा होल्ड करिए, विश्वास नहीं होता है आपके अलावा पूरी दुनिया देशद्रोही है, आम आदमी आप अकेले दूध के ऐसे कैसे नहीं होता है, आम आदमी पार्टी की परिषद से पूछ सकते हैं लेकिन इसी सवाल के साथ कि आम आदमी पार्टी का आखिर से लेकर स्टैंड क्या है, कम से कम वो क्लियर करना चाहिए, देश की जनता जानना चाहती है। मैं आऊंगी आपके पास रवि जी, अलीमुद्दीन सिद्दीकी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। अलीमुद्दीन जी, हालांकि आप बहुत देरी से जुड़े हैं, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब इस मामले में चूंकि कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को ये कह दिया है कि जाइए पहले इजाजत लेकर आइए दिल्ली सरकार से, लेकिन क्या अब ये इस मामले में सियासत को और बढ़ावा देगी या फिर देखने को मिलेगा कि सियासत से हटकर देशद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई का साथ मिलेगा राजनीतिक पार्टियों का? देखिए, इस देश के अंदर जो कोई बोलता है उसको देशद्रोही करार दिया जाता है, ड्यूटी फैब्रिक जो है चार्जशीट दाखिल की जाती है, जब अगर मान लीजिए इन लोगों ने ये किया था और सारा प्रूफ साबित हो गया था तो दिल्ली पुलिस को प्रोसिक्यूशन में भेजना चाहिए था, प्रोसिक्यूशन से अप्रूवल लेना चाहिए था, उसके बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करनी चाहिए थी। पुलिस ने डेलिबरेटली ऐसा क्यों किया? दिल्ली पुलिस तो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, वो तो बीजेपी की गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो दिल्ली पुलिस ने ऐसी गलती कैसे कर दी? कौन किसकी साजिश से गलती कराने में, कौन इस चीज़ को डिले कराना चाहता है, कौन इस चीज़ पर डिबेट कराना चाहता है और डिबेट करके इलेक्शन का फायदा कौन उठाना चाहता है? बीजेपी, जाहिर होता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस बीजेपी के अंडर आती है और दिल्ली पुलिस को पहले प्रोसिक्यूशन में जाना चाहिए थे विदाउट प्रोसिक्यूशन। बोलने की आजादी सबको है, जो बोलता है उसको देशद्रोही करार दिया जाता है। सवाल का जवाब दीजिए कि क्या देशद्रोहियों को इस बात की इजाजत मिल जाती है अभिव्यक्ति की आड़ में कि वो कुछ भी बोले चाहे वो देश के खिलाफ ही क्यों ना हो? ये जो हम डिबेट कर रहे हैं, ये डिबेट कराने के लिए ही तो बीजेपी ने कोर्ट में दाखिल करा दिया। आप कह रहे हैं कानून उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे, आप कह देंगे बीजेपी अरमानों को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे, बीजेपी का पर्चा नहीं है उस पे, कन्हैया कुमार के सिग्नेचर्स हैं, शहला रशीद के सिग्नेचर्स हैं, रामा नागा के सिग्नेचर्स हैं और ये तीनों जेएनयूसी के पदाधिकारी थे। अफजल तेरे अरमानों को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे, ये बीजेपी ने नहीं लिखा था, ये वही कहेंगे कि आजादी की आड़ में नारे लगाए हैं। बात से मत पलटिए, अगर आप सरकार लोग एक करके अपनी बात रखिए, जांच करके अलीमुद्दीन जी अपनी बात रखिए लैब से, तो वो एक आखिरी सच नहीं होता है। अलीमुद्दीन जी, आप फायदा इसमें आप सरकार को मिल रहा है। देखिए, मेरा टर्म आप तब से आधे घंटे से बोल रहे होंगे, अब आप मुझे बोलने दीजिए। मैं आप ही को बोल रही हूं सर, बीजेपी शासन करना चाहती है, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे रफाइल हो, हर चीज से भागना चाहती है। बीजेपी की सियासत छोड़ दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए पहले। अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में सब कुछ, आपका सवाल बीजेपी में ही छुपा है। नहीं नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में सब कुछ है। आपका सवाल, आपका जवाब बीजेपी में छुपा है। आप समझ नहीं रहे मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। आप ये बताइए, मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, आप ये बात समझ ले, आपका कैमरामैन कैसे गलती कर सकता है, दूसरी जगह जा सकता है आपके बिना पूछे? आप चाहेंगे तो जाएगा, आप चाहेंगे तो जाएगा। आप समझने की कोशिश करिए, बीजेपी ने पहले प्रोसिक्यूशन को नहीं भिजवाया, जानबूझ के प्रोसिक्यूशन में नहीं भिजवाया, क्योंकि अरे भाई साहब नहीं भिजवाया, भिजवा दीजिए ना, आपको क्या दिक्कत है भेजने में? अरे आप, अरे अब बोल दीजिए ना, आपको भिजवाएंगे, आप अपनी पार्टी को बोलिए आप इसको भिजवा दे, आपकी सरकार है, मान लीजिए दिल्ली पुलिस ने गलती की, सरकार भिजवाती है, सरकार का काम है। अरे आपकी सरकार ही को तो कह रहा हूँ, सरकार जो आपकी सरकार है, डबल एपी की सरकार, आम आदमी और बीजेपी आपकी सरकार, डबल एपी की सरकार है, सारा खेल कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं, देश को बना रहे हैं।
अलीमुद्दीन जी, आपने मेरे सवाल का जवाब अभी नहीं दिया। सबूत है तो बीजेपी। चलिए ठीक है, लगता है आप जवाब नहीं देना चाहते। रवि श्रीवास्तव, रवि श्रीवास्तव, अरे शांत हो जाइए, शांत। मुट्ठी भर सीपीआई के नेता ही तय करने के चांस पहली बात है। सबसे पहली बात बीजेपी डिसाइड करेगी कि देशद्रोही कौन है। विवेक जी, विवेक जी एक मिनट, देशद्रोही कौन है? आप ये जो छात्र यहाँ पे बैठी है, सबसे पहले तो इन्हें जवाब देना चाहिए कि इनके खिलाफ FIR भी दाखिल की गई थी, इनसे कौन सी पूछताछ की गई अभी तक। दूसरी बात, जो वहां पे नारे लगे वो नारे इन्होंने नहीं लगाए थे, इस बात की जांच में अभी तक कहां पुष्टि हुई है? ये बता रही है कि ये वहां मौजूद थी, तो उनके खिलाफ आज करके नारे कौन लगा रहा था? वो ये लगा रही थी शायद नारे। और एक बात, 124 और 100, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ, आप मेरी बात कर रहे हैं। 124A और 124B जो धाराएं हैं वो धाराएं ही गलत है, क्योंकि इस देश में 2014 से 2017 तक 165 के ट्रेडिशन पर देश की सरकार ने बनाए, और अभी तक एक भी केस कोर्ट से साबित नहीं हुआ। सरकार का विरोध चिल्ला क्यों रहे हैं? ये आपका समय नहीं लगेगा, इसलिए आप अगर ये कह रहे हैं कि एबीवीपी अगर वहाँ पे हारी थी इसलिए वहाँ पे नारे लगे, तो पहले एबीवीपी कौन सी पहले जीतती थी? और अगर एबीवीपी हारती थी तो ये बताइए कि उसको ज्यूडिशियल किलिंग का जो पर्चा आया था, जिसमें अनिर्बान का नाम है, जिसमें उमर खालिद का नाम है, अन्वेषा अस्वती का नाम है, वो भी एबीवीपी का पर्चा था। अगर तेरे एबीवीपी का पर्चा था, एक बार थोड़े से अपने फैक्ट्स देख लीजिए ना। आप डिबेट में आ जाते हैं सिर्फ एक तरह के नैरेटिव सुन के, नैरेटिव के वजह से आप डिबेट मत कीजिए, पहले अपने फैक्ट्स इस तरह से समझ के आइए। बातचीत नहीं हो पाएगी। मैं ये कह रही हूँ विवेक श्रीवास्तव, ठीक है, चलिए आप बहुत देर से चिल्ला रहे हैं, और पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, चिल्लाकर कोई डिबेट नहीं होती। आप अपनी बात तब रखिए जब मैं आपके पास आऊँ, इस तरीके से कोई किसी को नहीं सुनता। विवेक श्रीवास्तव जी, आप अपनी बात रखिए, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करेंगे। इससे पहले आप लोग उसको गलत साबित कर देते हैं, कहते हैं वो तो हुआ, जल्दी से बात करिए, आपको दे रही हूँ मैं, आपका टाइम है ये। नहीं नहीं, मैं जी जी सुनिए, सबसे पहली चीज है 20 लड़कों ने जो नारे लगाए थे और जो वहां से भाग गए, जिन्होंने मुखौटा पहना हुआ था, वो कहां पर हैं? उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? हमारा ये मानना है सिर्फ सेक्युलर पार्टियों को, लेफ्ट को, कांग्रेस को, हम लोगों को बदनाम करने के लिए, कि देश की जनता हमारे में गलत परसेप्शन हमारे बारे में सोचे, ये नारे बीजेपी के कहां से आ गए सर? उसके बाद इस चार्जशीट में लेफ्ट कहां से आ गई? 5 सेकंड और 5 सेकंड मुझे जवाब, 5 सेकंड और 5 सेकंड अफजल गुरु को माफी दिलाने वाले भी सत्ता पक्ष में कांग्रेस सरकार की थी, कि देश बात को थोड़ा सा ध्यान में लेंगे। नहीं नहीं, ये कहते पहले कि आप एबीवीपी और बीजेपी को घेरे लीजिए, इस बात को थोड़ा संज्ञान लेंगे। देशद्रोही, कम्युनिस्ट पार्टी देशद्रोही। अच्छा, इन चार्जशीट में इन लोगों का भी नाम है देशद्रोही? राहुल गांधी मुझे लग रहा है वो आए थे, मुझे लग रहा है आपने चार्जशीट पढ़ी, इसलिए आपको इस बात से ऐतराज हो रहा है, इसीलिए इतना एतराज आपको हो रहा है। ठीक है, चलिए विक्रम जी, आपके पास मैं आना चाहती हूँ। अब इस मामले में मुझे ही बताइए, आप किस तरीके से समझ रहे हैं? क्या अब ये भी कहीं ना कहीं इस मामले में ये भी देखने को मिल रहा है कि दिल्ली और केंद्र की संवादहीनता जो देखने को मिल रही है, और साथ ही दिल्ली पुलिस की भी, वो एक बहुत बड़ा रीजन है। सुविचारित है, लेकिन एक प्रशासन जी एक प्रशासनिक त्रुटि हुई है, जो कि अक्सर हो जाता है। इस त्रुटि को 72 घंटे में दूर किया जा सकता है, और मैं अपने राजनीतिक मित्रों से ये अपेक्षा करता हूं कि मौलिक मुद्दे पर आएं। इस प्रकार का अवांछनीय कृत्य अक्षम्य होता है, और मैंने आपके चैनल पे 3 साल पहले भी कहा था कि दिल्ली पुलिस ने बहुत उदार दृष्टिकोण अपनाया है इन अवांछनीय तत्वों के साथ। और आपने ये भी पूछा था कि अगर आप पुलिस कमिश्नर होते तो क्या करते। मैं यही कहता कि इनके विरुद्ध रासुका के अंतर्गत उपधारा 2 और मकोका के अंतर्गत भी कार्रवाई होनी चाहिए। इससे ज्यादा निंदनीय और दंडनीय कृत्य हो नहीं सकता है, और मैं समझता हूं कि पूरी सूझबूझ के साथ ऐसे अवांछनीय तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई होनी ही चाहिए।
बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। आशीष सूजी, मैं यही सवाल मेरे आपसे भी है, इस मामले में एक बार फिर से कहीं ना कहीं एक संवादहीनता दिखाई दी है केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच, जिसकी वजह यह है कि इतनी फजीहत हो गई इस मामले में। आशीष, देखिए शिरीन, आप इस बात को अंडरमाइन कर रही हैं कि आम आदमी पार्टी का तो डिक्लेयर और कांग्रेस का तो डिक्लेयर्ड स्टैंड है कि वो लड़के ठीक है, तो दिल्ली पुलिस की सही भेजी हुई फाइल को भी दबाकर इसमें उन लड़कों को एक विक्टिम बनने का मौका देने का काम इसके प्रकार से किया जा रहा है। जिनका डिक्लेयर्ड स्टैंड है वो लड़के ठीक है, वो इस इंक्वायरी को डिरेल करना चाहते हैं। हमारा कहना यह है कि एक तर्क के लिए, एक चर्चा के लिए विवेक श्रीवास्तव जी जैसे लोगों की बात को मान लेते हैं, मगर क्या ये जरूरी नहीं है कि सत्य सामने आए? मैं ये आपसे इसलिए कह रही हूँ, आशीष सूजी एक सेकंड सुन लीजिए, मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देशद्रोहियों को सजा कब मिलेगी पूरा देश ये जानना चाहता है। आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं ना, एक रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता दूं, 2014 से 16 के बीच में 179 मामले दर्ज हुए थे, गिरफ्तारी भी हुई थी इस मामले में, लेकिन सजा सिर्फ 2 लोगों को हुई। 3 साल बाद चार्जशीट, और अब इंतजार और करना होगा कितना कि आखिर कब इजाजत मिले, उसके बाद इस पर कार्रवाई शुरू हो। देखिए शिरीन, 3 साल बाद चार्जशीट क्यों है इसे भी समझिए। देश के लाखों रुपए लेने वाले वकील कन्हैया कुमार और पीआईएल एक्सपर्ट लोग ये सब इनके पीछे खड़े होकर एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए। आप ये लोग इस बात को डिनाई कर सकते हैं कि वहां नारे लगे हैं? अगर वहां नारे लगे हैं तो जेएनयू विश्वविद्यालय छात्र संघ का कोई रोल नहीं है? जिन्होंने वहां आयोजन किया क्या वो गए पुलिस के पास ये कहने के लिए कि यहाँ कोई अवांछनीय तत्व है? रवि श्रीवास्तव, आम आदमी पार्टी अब सियासत से हटकर इस पर काम करेगी और दिल्ली पुलिस को इजाजत देगी? श्रीन, सबसे पहली बात तो जो आपने आंकड़े दिखाए वो जान के मुझे बहुत संतोष हुआ। वो आंकड़े 2014 से 17 के हैं, 165 लोगों के खिलाफ विद्रोह के केस लगे और उनमें से एक भी ये अभी तक साबित नहीं हुआ। मैं वो आंकड़े बता चुका हूं, देखिए देश का जवाब दे दीजिए। देश की सरकार का विरोध करना राष्ट्रद्रोह नहीं है, ये सबसे पहले सिद्ध है। और जब तक ये बात साबित नहीं होती तब तक किसी को राष्ट्र विरोधी कहना, राष्ट्रद्रोही कहना गलत है। और श्रीमान जी, ये नारे आप लोगों ने लगाए थे दूसरों को बदनाम करने के लिए, आपके लोगों ने लगाए थे, ये भाजपा और एजीपी एबीवीपी के लोगों ने ये नारे लगाए थे, ये नारे दूसरों ने नहीं लगाए थे। ये काम आपका ही है, उलझेगा नहीं किया है ये काम। आप आदमी रूप से मिलेगी अगर लीगल डिपार्टमेंट और प्रोसिक्यूशन ये समझेगा कि इजाजत देने की जरूरत है तो दिल्ली की सरकार इजाजत जरूर देगी। दिल्ली की सरकार देश के साथ है। उम्मीद करते हैं कि आम आदमी पार्टी और बाकी राजनीतिक दल भी इस मामले में सियासत से हटकर देश के लिए सोचेंगे और जिन लोगों पर आरोप लगा है उन पर कार्रवाई का जो प्रोसीजर है उसमें कोई अड़ंगा नहीं डालेंगे, जिस तरीके से चार्जशीट पर आप लोग पहले ही सवाल उठा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इस बहस से जुड़ने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, खबरें लगातार जारी।